हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सब अच्छे हो। गाइस, मैं बहुत अच्छी हूँ। और आज सैटरडे था तो पूरा दिन मैं मतलब गाइस की काम वगैरह भी हुआ, दिन बहुत अच्छा निकल गया। जिम नहीं की होगी, वर्कआउट करने नहीं गई हूँ, अभी जाऊँगी इवनिंग में, क्योंकि मैंने अपना शेड्यूल चेंज कर लिया है बिकॉज ऑफ ऑफिस। ऑफिस मेरी मॉर्निंग की होती है तो मैं शाम में जिम जाती हूँ। तो गाइज, आज का ब्लॉग बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्या होने वाला है वो मैं बताऊंगी गाइज। वैसे तो आप लोग को थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज का ब्लॉग क्या होने वाला है। सो यस, आपने जो थंबनेल देखा है वो करेक्ट है। मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। कब हुआ, कितना टाइम लगा, वॉच टाइम कैसे कंप्लीट हुआ, और एक यूट्यूब वीडियो बनाना या फिर चैनल कैसे बनाया मैंने, क्यों बनाया बनाया, तो इसके पीछे बहुत सारी रीज़न है। बहुत सारे डिमोटिवेशन भी मुझे मिला। मैं बहुत डिमोटिवेट भी हुई बीच में, मन नहीं करता था, मैं प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती थी चैनल पे। मतलब शॉर्ट डाल दिया, गानों पे ये डाल दिया वो डाल दिया, मतलब मेरा ऐसा कोई मोटो नहीं था कि मैं यूट्यूब बनाऊंगी। बट कहते हैं ना, आपको आगे जाके किस्मत जहाँ होता है वही। तो मैं एक जॉब के करियर से स्टार्ट किया और मेरा 1 ईयर हो गया गाइस वो यूट्यूब पे। 11 सितंबर को मैंने स्टार्ट किया था 2023 में, और आज 2024 है, 11 सितंबर हो गया। और वॉच टाइम कैसे कंप्लीट हुआ, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मेरे वीडियोस, ज़्यादा तो मैक्सिमम मेरे जो ब्लॉग के व्यू हैं वो 2000 ही गए, मतलब 2002 ही गए, उसके बाद नहीं गए। तो मैं आपको प्रॉपर डिटेल में बताऊँगी। तो गाइज, ब्लॉग ज़्यादा लेंदी नहीं रहेगा, बहुत ही यूज़फुल ब्लॉग होने वाला है। मतलब कोई अगर फीमेल या बॉय स्टार्ट करना चाहते हैं चैनल, बिगनर्स कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखो मेरे पास किसी का सपोर्ट नहीं था, ना कोई यूट्यूबर ना कोई और। तो आपको मैं सारा डिटेल में बताऊंगी गाइज, बने रहना ब्लॉग में। तो गाइज, ये देख रहे हो इसको, ये इसका नाम राधा है, ये मेरे पास ही रहती है। आज सैटरडे था तो छुट्टी थी मेरी, ऑफ है, तो ये मेरे पास आ जाती है और इसकी मम्मी काम पे जाती है। हाय करो राधा, हंस के स्माइल करो, बोलो हेलो, जल्दी करो। हाँ हाँ, गुड गर्ल। तो गाइज, यही है मेरा लाइफ, और सही है, अच्छा है हर चीज़। बट मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि मैंने ओ सेट लाइट चला गया, पोपट हो गया, बट कोई नहीं गाइज, लाइट आ ही रहा है। तो चलिए ब्लॉग को हम करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि पता है गाइज, मैं यूट्यूब स्टार्ट की थी 2023 11 सितंबर को। मैंने एक शॉर्ट डाला था इंस्टाग्राम पे, वो मेरी ऐसे चली गई थी, 25-23 हज़ार चली गई थी। प्राइवेट अकाउंट थी उस टाइम मेरी, अनप्राइवेट नहीं थी, और मैं ना यूट्यूब पे थी ना मैं फेसबुक पे थी, कहीं एक्टिव नहीं थी मैं। तो जब मेरी वो 23 हज़ार चली गई ना, तो मुझे अंदर से बहुत खुशी हुआ। मैं सोची ट्राई करती हूँ यूट्यूब पे चैनल बनाने का। मैं ट्राई नहीं, पहले मैंने इंस्टाग्राम को अनप्राइवेट किया, फिर उसके बाद जब मैंने डालने लगे तो अच्छे व्यू आने लगे थे काफ़ी सब में, मतलब अच्छा रिस्पांस भी आने लगा। तो उसके बाद मैं सोची ठीक है, मैं यूट्यूब पे चैनल बनाती हूँ, मैं जिम भी करती हूँ, फिटनेस रिलेटेड बना लेते हैं। फिर मैंने ऐसे चैनल बना लिया, नॉर्मल एज अ नॉर्मल, कुछ खास नहीं। तो राधा नीचे बैठो तुम, हम ब्लॉग शूट कर ले, फिर तुमसे बात करेंगे, ठीक है? यहाँ बैठना, इधर आ जाओ। हाँ, तो उसके बाद आप इसको भी गाइस देखना। फिर मैंने जब वीडियोस डालने स्टार्ट किए तो मेरे स्टार्टिंग में ही 2000-2500, यूट्यूब की बात कर रही है मैं, 2500, 2000-3000 जाने लगे। तो फिर मुझे अंदर से खुशी होने लगा, सब्सक्राइबर आने लगे, 100 सब्सक्राइबर तुरंत हो गया, फिर 200 हो गया, फिर ऐसे धीरे धीरे इंक्रीमेंट होने लगी। फिर मैं प्रॉपर, मैं सोची क्योंकि वॉच टाइम मैंडेटरी होता है यूट्यूब पे, तो वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए गाइस फिर मैं ब्लॉग शूट करने लगी। और क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पे बहुत बहुत रस है, बहुत मतलब इतनी सारी चैनल है यूट्यूब पे, बहुत लोगों ने बना रखा है, तो इसलिए फिर गाइज लाइट तो चली गई, बट मैं किचन में शूट कर रही हूँ, विंडो ओपन कर दिया तो लाइट आ रही है प्रॉपर, सही है। वैसे भी मैं हमेशा दिन में और ऑलवेज मैं किचन में शूट करती हूँ, मेरा फेवरेट प्लेस किचन है। यहाँ पे अच्छी लाइट भी आती है, और यहाँ पे जितना मैंने शूट किया मेरे लिए पॉजिटिविटी भी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे शूट करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग ब्लॉग यूट्यूब चैनल बनाना, पहले मैं आपकी जर्नी बताती हूँ। आ गई लाइट, वन। हाँ, तो पहले मैं अपनी जर्नी बताती हूँ आप लोग को। वैसे
हाँ फिर मैंने चैनल स्टार्ट किया, फिर चैनल स्टार्ट करने के बाद फिर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। ब्लॉगिंग में ऑफिस जाने लगी, मैं ऑफिस का ब्लॉग डालती थी। उसके बाद फिर नवंबर आया, फिर मैं चली गई घर छठ पूजा में। घर गई तो क्योंकि घर मैं चली गई, मुझे पता था कि कंटेंट है, व्यू अच्छी मिल जाएगी, बट मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। मुझे इतना हेजिटेशन होता था बोलने में, इतना शर्म आता था मुझे, बहुत ज़्यादा। आप मेरा अगर आज भी फर्स्ट ब्लॉग चेक करोगे ना, तो मैं प्रॉपर मतलब बहुत धीरे धीरे बोल रही थी। तो फिर मैं सोची कैसे मैं फेस करूँगी, जब तक मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगी, जब तक मैं बोलूँगी नहीं, जब तक नहीं हो पाएगा। फिर मैं जब स्टार्टिंग एक ब्लॉग बनाया था मैंने, उसके बाद मैं प्रॉपर प्रैक्टिस करने लगी। फिर मैं डेली ऑफिस में टाइम निकाल के प्रैक्टिस करती थी, कैसे बोलूँ, कैसे बोलना है वगैरह वगैरह। फिर वो मेरा प्रैक्टिस हो गया कामयाब, फिर मैं बोलने लगी फ्रैंक ऑन कैमरा पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। स्टार्टिंग में आई नो सबको प्रॉब्लम होती है, सब लोग फेस करते हैं, नहीं बोल पाते हैं क्योंकि हम कभी वैसे माहौल में नहीं रहे, हम कभी कैमरा के साथ नहीं खेले। आप जितना जिन चीज़ों के साथ खेलोगे उतना बेटर है। तो फिर मैं जब घर गई तो उसके बाद मैंने वहाँ पे शूट किया, मैंने सबको बता दिया मेरा चैनल है, फैमिली मेम्बर भी हर जगह। बट प्रॉब्लम ये हुई ना गाइस, आप लोग अगर कभी भी यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग बनाओगे, जब तक आप लोग का मोनेटाइज नहीं होता, तो कोशिश करना कि मोस्टली लोगों को ना पता चले। अगर मोस्टली लोगों को पता चलता है उसे ले लो पानी, नहीं खाएगी। मोस्टली लोगों को अगर पता चल जाता है ना, तो क्या होता है कि आपके चैनल पे लोग मतलब डिसलाइक करने लगते हैं, या फिर बहुत सारी बातें बनाते हैं, अरे चैनल तो सबका है, चैनल नहीं चलेगा वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। एक चैनल के पीछे कितनी मेहनत है ना, वो जो बंदा आज यूट्यूबर है ना वो जानता है। सिर्फ आप देख रहे हो वो पैसे बहुत कमाता है, बहुत पैसा है, बट वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। क्योंकि गाइस ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचते हो कि मैं अपनी अच्छाई के लिए बताती हूँ, सबको बता दिया मैंने ऑफिस में भी सबको बताया था। जब मेरे पिछले प्रोजेक्ट में लोग थे, सब लोग मुझे कहते थे अरे यार ब्लॉग तो सब बना रहे, तो कुछ हटके कर, कुछ ऐसा कर, कुछ ये कर, फलना ढिकना हर चीज़। बट मैं किसी की बात नहीं मानी क्योंकि ट्रस्ट था मुझे खुद पे गाइस, और आज मैंने किया यहाँ तक। आई नो 1 ईयर लग गया मोनेटाइज होने में, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। वैसे ट्रस्ट नहीं होता है, बट मैं एक प्रूफ दिखा देती हूँ कि हाँ अर्निंग मेरी स्टार्ट हो गई है। बट वो जब जिस दिन मेरी फर्स्ट अर्निंग आएगी, मैं उस दिन आप लोगों के साथ फिर शो करूँगी, तो बने रहना गाइस। बट आप लोग के सपोर्ट और प्यार की वजह से नहीं होता, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। इवन SCL का ब्लॉग ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। ये आप गाइस देख रहे हो, ये मेरा यूट्यूब का है ये चीज़। ये जब मेरी वॉच टाइम कंप्लीट हो गई 4 घंटे की, मेरी सब्सक्राइबर तो बहुत पहले कंप्लीट हो गई थी, इवन 1 मंथ पे कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि 1,000 सब्सक्राइबर करना होता है और वॉच टाइम 4,000 का। ये 4,000, ये जो आप देख रहे हो ना, ये मेरा बहुत खुशी हो रहा था मुझे ये चीज़ देख के। देख मिनट गाइज, तो गाइज मुझे बहुत खुशी हुई। परसों की बात है ये, परसों मेरी कंप्लीट हुई वॉच टाइम, और मतलब मैं सच में मुझे इतना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। बट कोई नहीं, चलिए आप लोग के साथ ये मुझे शेयर करना था, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, तो मैं सोची आप लोग को मैं बताऊँ ये चीज़। और मैं आप लोग को अपना डैशबोर्ड दिखाती हूँ, थोड़ा सा दिखाऊंगी, कंप्लीट नहीं दिखाऊंगी कि अर्निंग स्टार्ट की। बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, बट मैंने इग्नोर किया। देखो हर चीज़ की एक ही सॉल्यूशन है, दो चीज़ आप लाइफ में अगर फॉलो करते हो, फर्स्ट इग्नोरेंस, सेकंड पॉजिटिविटी। अगर आपके पास पॉजिटिविटी है और इग्नोरेंस है, तो आप लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेस कर लोगे हर फील्ड में। देखो कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो गाइज अगर आप लोग यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो, कैसे वर्क करना है, क्या डालना है क्या नहीं डालना है, तो आप मुझे हेल्प चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, मैं इस पे ब्लॉग शूट कर दूंगी। क्योंकि देखो मैं एक जेन्युइन तरीके से हेल्प करती हूँ, और चीज़ें मैं सोचती हूँ कि जितना लोग सक्सेस करें बेस्ट है, मेरे लिए भी आप लोग के लिए। तो ये मैं दिखा रही हूँ डैशबोर्ड, और दिस इज माई डैशबोर्ड गाइज। जैसे कि आप देख रहे हो, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा मैं तब दिखाऊंगी जिस दिन मेरी फर्स्ट अर्निंग आएगी, उस दिन मुझे बहुत खुशी होगा। ये मेरा खुद का मेहनत है, और अकेले रह के हर चीज़ हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, सच में ट्रस्ट मी गाइस। क्योंकि देखो आपको ना डीमोटिवेशन बहुत मिलती है यूट्यूब से, क्योंकि आप जब जो नए यूट्यूबर्स होते हैं, जो जिनकी नए चैनल होती है ना, उनकी कोई शॉर्ट्स गई नहीं गई, सब्सक्राइबर आए नहीं गए, एक एक बढ़ रहे हैं, दो दो बढ़ रहे हैं, तीन तीन बढ़ रहे हैं, बट उसमें आपको होप नहीं खोना है। अगर आपका एक भी बढ़ रहा है ना, आप सोचो मेरे लिए बेस्ट है और बहुत है। अगर आपके मन में ये थिंकिंग हो गई ना, तो
ट्रस्ट मी गाइस, बहुत जल्द होगा। अब मेरा 5,000 हो गया, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरे लिए आज 5,000 है, सबको कम लगता है बट मेरे लिए बहुत है। और अर्निंग स्टार्ट हो गई, स्टार्टिंग मेरी मंथ की अर्निंग 45 to 50K हो जाएंगे जिस दिन से मेरी ये क्या कहते हैं, भूल जाते हैं मैं बहुत जल्दी गाइस, क्या कहते हैं, डॉलर, हाँ, जिस दिन से मेरे $100 कंप्लीट हो जाएंगे। कि परसों मेरा वो स्ट्रीम कंप्लीट हुआ है, आफ्टर $100 के बाद भी कुछ वर्क है जो यूट्यूब पे करना है, वो है एडसन पिन, जो मेरी पिन आएगी, फिर डॉक, फिर मेरा बैंक एड्रेस, बहुत सारी अभी वर्क है। तो अगर ये कंप्लीट हो जाता है और तो फिर पैसे आने लगेंगे, और कुछ नहीं है। देखो आई नो कि मैं जॉब कर रही हूँ, बट एक जॉब से ना आप लाइफ जी सकते हो, लाइफ काट सकते हो, लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते हो। जॉब में क्या है, आपको सैलरी 1 तारीख को मिलेगी, उससे बीच में आप सोचोगे मुझे कुछ और चाहिए, ये अब मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना, आप नहीं कर पाओगे। घूमने जाना तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको कुछ भी करना है तो पहले सोचनी पड़ेगी। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए और आप लोग के लिए भी गाइस। अपना चैनल बनाओ, आपको अगर जरिया मिल रहा है ना, जिनके पास हुनर है, जिनके गर्ल्स के पास हुनर है डांस करने का, सिंगिंग का, प्लस पेंटिंग का, बहुत सारी चीजें हैं। मुझे, मेरे अंदर ये सब तो नहीं है हुनर, बट हाँ मेरे अंदर मोटिवेशन की तो हुनर है, इसलिए मैं ऑलवेज अपने आप को भी मोटिवेट करती हूँ और आप लोग को भी। क्योंकि जब मैंने यूट्यूब चैनल सबको बता दिया था ना, जब मेरे बीच में क्या हुआ ना, कम्प्लीटली आफ्टर दिवाली के बाद, नवंबर के बाद कम्प्लीटली मेरी यूट्यूब पे व्यू आना रुक गए थे, 0 व्यू, ब्लॉग पे 0 व्यू आ रहे थे, फिर आपको शॉर्ट्स पे नहीं आ रहे थे। मैं सोची कि अरे यार, मैंने सबको बता भी दिया, उसके बाद अब व्यू नहीं आ रहे, मैं कैसे करूँगी। मतलब अंदर से मुझे बहुत शर्मिंदगी, मतलब कहते हैं ना, फील हो रहा था, वो मुझे फील हो रहा था। मैं सोची कैसे करेंगे कैसे करेंगे, फिर मैंने सोचा अरे यार नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। बट मैं अपना 110% दूंगी, तो वो मेरा आज कामयाब हुआ गाइस। बहुत दिन, आपको पता है, बहुत दिन मुझे ये तक बोला कि आप SL पे ब्लॉग बनाते हो, क्यों बनाते हो, SL को प्रमोट कर रहे हो, आपका ब्लॉग, आपका चैनल बंद करवा देंगे, आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। मैं सुनती गई, कोई बात नहीं, बहुत सारे मेरे इन यूट्यूब जर्नी में ना बहुत है। मैं 1 जीरो से आज मैं 5,000 तक पहुंची हूँ गाइस, ट्रस्ट में। बहुत उन्होंने बोला अरे लड़की है यार, व्यू तो आ जाएंगे, लड़की है बन जाएंगे। मैं, आपने देखा होगा, मैं कभी प्रॉपर डांस नहीं, क्योंकि मुझे नहीं आता है। मैं एक नॉर्मल जिम का सूट कर लेती हूँ जो मुझे आता है, जैसे मेरे इंटरेस्ट है, मुझे जिम में इंटरेस्ट है, मुझे जिम करना, वर्कआउट करना इंटरेस्ट है काफ़ी, तो वो मैं सूट करती हूँ। तो गाइज दिस इज माई होल जर्नी, और इसमें सबसे सबसे बड़ा हाथ आप लोग का है, आपने बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ऐसे सपोर्ट करो, और मैं चाहती हूँ ये मेरा ब्लॉग वायरल हो जाए, क्योंकि ये जितना वायरल होगा उतना जो अन अन अनएजुकेटेड तो नहीं, अन जॉब वुमेन है, वो भी अपना घर बैठे कर पाएंगे। बहुत लोग का मैंने देखा है चैनल की, आपका चैनल नहीं चल रहा है, चैनल बनाया, चैनल डेड हो गई, क्यों डेड हो गया। आपने देखा है कि ये मनोज दे बिहार का है, कितना मेहनत किया, कितना स्ट्रगल किया, आज वो कहाँ पे। फिर आपने, मैं, आपने मेरा चैनल में देखा होगा, मैंने राजवीर फिटनेस, मतलब मैं उनको भाई, एज अ भाई बोलती हूँ भाई, तो उनका, उनके साथ मेरी फोटोज है, वो मेरे जिम में आते थे उनके साथ। मैं चाहती तो मैं उनको बोल सकती थी कि मेरा यूट्यूब चैनल है, आप मुझे बोल, नहीं, मुझे खुद से करना था, खुद की मेहनत है। अगर मेरे अंदर हुनर है, आज नकल हो जाती, और आज नकल, आज वो दिन आ गया। तो गाइस बहुत खुशी हो रहा है, सच में, ट्रस्ट में, ये खुशी मैं सिर्फ फील कर रही हूँ। और थैंक यू, मेरे घर से बहुत सपोर्ट मिला है। कुछ लोग हैं जो नहीं सपोर्ट किए, बट कुछ लोग हैं मेरी फैमिली मेम्बर, रिलेशन वाले तो वैसे भी सपोर्ट नहीं करते गाइस, वो तो वैसे सोचते हैं कि, मतलब आपको पता ही है कि फैमिली में कैसे सोचते हैं, बट मैं यहाँ पे किसी के बारे में नहीं बोल रही हूँ। तो मेरे फैमिली में पापा, मम्मी, भाई, बहन, छोटी, मैं नाम ले लेती हूँ, छोटी, भाई का नेम मनी, दीदी, और पापा, इवन पापा बहुत सपोर्ट किए हैं, फिर मम्मी, सब लोग बहुत सपोर्ट किए हैं। और एक और इंसान है जो, जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया हर चीज़ में, मैं उनके बारे में आने वाले समय में डिस्क्लोज करूंगी, ये क्या है, कौन है, उसके बारे में मैं बहुत जल्द बताऊंगी गाइज। मतलब मेरा कुछ भी यूट्यूब पे होता था ना, मैं हमेशा बोलती थी, चुटकियों में सॉल्यूशन हो जाता था, मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है सच में। आज मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ पे, मेरे पीछे बहुत लोग हैं, उनका सबका नेम मैं यहाँ पे डिस्क्लोज करूंगी आने वाले टाइम में, तो
बने रहना गाइज, और इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो सो मच। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गाइज आने वाले टाइम में एसएल से ब्लॉग शूट कर देती हूँ मैं आज, बाकी देखते हैं आप लोग का रिस्पॉन्स कैसा रहता है, डिपेंड करेगा फिर उस पर। अब मैं अपना नॉर्मल ब्लॉग भी शूट करूँगी, जिम से रिलेटेड वगैरह वगैरह, योगा से रिलेटेड। तो गाइज बने रहना, और मैं अभी कहीं जाने भी वाली हूँ, कहाँ जाने वाली हूँ वो भी ब्लॉग बने रहना। चलिए बाय, टेक केयर।